न्यूज नेटवर्क टुडे, मैं जावेद अंसारी। हम इस समय मौजूद हैं नगर निगम या यूं कहें रीवा की एक महत्वाकांक्षी योजना पर। यहां पर वेस्ट टू एनर्जी प्लांट लगभग तैयार हो गया है। कल इसका विधिवत प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उद्घाटन करने जा रहे हैं। हमारे साथ रीवा नगर निगम के अधीक्षण यंत्री शैलेंद्र शुक्ला जी हैं। सर, ये बताइए कितने जिलों का किस तरीके से कहाँ से कचरा आप इकट्ठा करेंगे? देखिए, इसमें क्या है कि हमारी 28 यूएलवी हैं और लीड यूएलवी रीवा है। ये 40 एकड़ में हमारा ये प्लांट बन रहा है। अभी तो हमने कंपोस्ट प्लांट बनाया है जिसमें 300 टन कचरा आएगा और इसके बाद हमारा सबसे जो लास्ट टारगेट अभी है 6 मेगावाट बिजली का प्रोडक्शन भी, कचरे से बिजली बनेगी, वो काम भी इसी एक साल के अंदर पूरा हो जाना है, उसको भी पूरा होना है। और पूरे 28 यूएलवी रीवा, सतना और इसकी सीधी की जितनी भी यूएलवी उनका कचरा यहाँ इकट्ठा हो गया होगा। और 28 जिलों के नगर निकाय का कचरा आप इकट्ठा करने जा रहे हैं? 28 जिले नहीं, 28 यूएलवी स्पॉट, बिल्कुल, मतलब 3 जिले के 28 स्पॉट से आप यहाँ पर कचरा इकट्ठा करने जा रहे हैं। तो अब ये माना जाए कि बहुत जल्दी आप बिजली का भी प्रोडक्शन यहाँ पर चालू कर देंगे, या अभी बिजली के प्रोडक्शन में आपको कितना वक्त लगेगा? एक साल के अंदर बिजली का प्रोडक्शन चालू होगा। पीपीए हमारा हो गया है, सब कुछ हो गया, बिजली का भी, बिजली का रेट तय हो चुका है, सब कुछ हो चुका है, तो बहुत जल्दी एक साल के अंदर बिजली हो जाएगा। तो क्या ये माना जाए कि अगर वेस्ट टू एनर्जी के संयंत्र जैसे ये अभी चालू हो गया है, कचरा आप इकट्ठा करने जा रहे हैं, तो शहर की साफ सफाई और ज़्यादा बेहतर दिखेगी? मेरा तो ये मानना है कि कचरा मुक्त शहर हो जाएगा, क्योंकि कचरा कहीं ढूंढे, क्योंकि कचरे से तो बिजली बनना है। तो आप समझिए, सबसे बड़ी बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि कचरा ढूंढ ढूंढ के ढूंढा जाएगा और बिजली बनाई जाएगी, तो कचरा मुक्त शहर होना तय है, इसमें कहीं कोई शक नहीं। कचरा मुक्त होना शहर बिल्कुल तय है, जैसा कि आपका कहना था। कचरे की हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। कचरे की ज़रूरत इसलिए कि हम उससे बिजली पैदा करेंगे, कई घरों को रोशन करेंगे। घरों को रोशन करने के लिए कचरा चाहिए, इसलिए ये तय है कि शहर हमारा कचरा मुक्त हो जाएगा, ऐसा कहना था नगर निगम अधीक्षण यंत्री। शहर की एक बहुप्रतीक्षित मांग, या यूँ कहें शहर को कचरा मुक्त बनाने के लिए जो सबसे बड़ा कदम था, वह रीवा नगर निगम ने उठा लिया। इस पूरी परियोजना पर शुरू से नज़र रखने वाले नगर निगम के इंजीनियर एस के चतुर्वेदी जी हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे पास यहाँ पर कचरा प्लांट भी है, हम जानने समझने के लिए आपको जरा समझाएंगे ये काम कैसे। सर, ये बताइए, ये पूरी प्रक्रिया जैसे आप ये प्लांट लगाने जा रहे हैं, ये किस तरीके से काम करती है? देखिए, ये प्रक्रिया के अंदर साठ मैंने बता दूँ कि जो ISWM एकीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन योजना के अंतर्गत रीवा को लीड मेंबर बनाया गया है, उसके नाते नगर निगम रीवा को रीवा जिले के ग्राम पहाड़िया में 45 एकड़ जमीन दी गई है। इस जगह पर हमारा जो है वेस्ट एनर्जी प्लांट लग रहा है। आज मैंने कल मानी मुख्यमंत्री जी के कमरों से कंपोस्ट प्लांट बना है, लोकार्पण होने जा रहा है। जहाँ तक जो साहब ने प्रश्न किया कि कैसे प्रोसेसिंग क्या रहेगी, शहर से जो कचरा आएगा, कार शहर से निकलने वाला डोर टू डोर कचरा कलेक्शन करके जो निकलेगा, लाया जाएगा, उसे जो है ट्रांसफर स्टेशन में लाएंगे और ट्रांसफर स्टेशन से जो है कंपैक्टर के थ्रू या लिफ्ट कंपैक्टर के थ्रू लाकर इसको कहाँ लाएंगे, कंपोस्ट प्लांट लाएंगे। कंपोस्ट प्लांट लाने के बाद जो हमारा फीडर है, फीडर में हमारा कचरा पड़ेगा। अब कचरा जाने के बाद कचरा जाएगा टर्मल में जाएगा, और टर्मल में जाएगा जो कचरा जहाँ सेग्रीगेशन होगा, जहाँ हम खड़े हैं ये 75 mm का टर्मल लगाया गया है। यहाँ बड़ा कचरा जो है 75 mm के से जो है जो छोटा कचरा है सब नीचे चला जाएगा, 75 mm कचरा रुक जाएगा। इसमें जो इस कचरे में RDF बचेगा, रिफ्यूज रीयूज और रिड्यूस कर कचरा बचेगा, तो वो सब अलग अलग कर लिया जाएगा, पृथक पृथक कर लिया जाएगा। और इसके पश्चात हमारे जो जस्ट आपके मैंने पश्चिम राइट हैंड साइड में जो मैंने प्लांट बना हुआ है वहाँ पर 25 हम वहाँ चलेंगे, वहाँ की बात बाद में, वहाँ भी चलकर अपने दर्शकों को दिखाएंगे वो कैसे काम करता है। इस जगह पर जो है 75 mm से जो का जो कचरा होगा अलग हो जाएगा, आटी अपने आप में आ जाएगा, आ जाएगा प्लास्टिक गैस, आ जाएगा प्लास्टिक पन्नी आएगी, प्लास्टिक टुकड़े आएंगे, कपड़े भी आएंगे, लोहा भी आएगा, शीशा आएगा, पूरा सेग्रीगेशन हो जाएगा। जो उसके बाद कचरा बचेगा 75 mm नीचे आ गया, उस कचरा ले जाके दूसरे प्लांट में जाएंगे। ये जो खाद आप यहाँ से निकालेंगे, इस खाद का किस तरीके से इस्तेमाल होता है और इसके क्या फायदे होंगे? जो ये खाद निकलेगी, इस खाद का अपन उपयोग जो है बागवानी परपज के लिए उपयोग कर सकते हैं,
इसमें हमारा इनर्ट वेस्ट भी बचेगा। इनर्ट वेस्ट में क्या आता है, कंकट पत्थर इतना सब आते हैं, वो भी वेस्ट निकलेगा। उसको हमारे बगल में लैंड फिल बनी हुई है, उसको हम लैंड फिल जाके लेयर बाई लेयर उसको कंपैक्ट करके और उसको ग्रीनरी डेवलप कर देंगे। बार फिर से आ गए हैं दूसरे प्लांट में। पूरी प्रक्रिया नगर निगम ने नए तरीके से आधुनिक तरीके से बनाई। अभी हम पिछले प्लांट में मौजूद थे, हम आ गए हैं दूसरे प्लांट पे। यहाँ पर उस कचरे को किस तरीके से आप लेके आएंगे, जो हम अधूरी बात छोड़ के आए थे उसको पूरी करिए। बिल्कुल सही साहब, जो 75 mm से ट्रबल के बाद जो कचरा मैंने छन के बाहर आएगा उसको हम जो है 20 mm के ट्रबल में ला के करेंगे। और 20 mm के ट्रबल में आने के बाद वो कचरा फिर सेग्रीगेशन होगा, उससे जो मैंने अलग अलग चीज़ों जो उससे जो भी मटेरियल में छोटे बड़े बड़े होंगे वो अलग अलग सेग्रीगेट होंगे। सेग्रीगेट होने के बाद उसमें इनर्ट वेस्ट भी आएगा, इनर्ट वेस्ट बचेगा, उस इनर्ट वेस्ट को हम लैंडफिल ले जाएंगे। हमारे यहाँ 90 meter by 90 meter की 4 लैंडफिल बनी हुई है, उस लैंडफिल में अभी स्टोरेज करेंगे और जो अदर मटेरियल निकलेगा उसको अलग यूज करेंगे, ये प्रक्रिया उसमें आएगी। एक सवाल यहाँ पर ये है, जैसे आपने कहा कि 4 गड्ढे आपने बना रखे हैं उसमें हम स्टॉक करेंगे, तो एक सवाल ये होता है कि चारों तरफ का जो वातावरण है, जिस तरीके से अभी कोस्टा में देखा जा रहा था खुले में कचरा पड़ा हुआ था, वहाँ पर भी कुछ इसी तरीके की प्रक्रिया थी, तो वो कचरा अभी माना जाए कि टोटल कचरा मुक्त? बिल्कुल, जो भी कचरा अभी हम जो कचरा आपके कोस्टा में डाल रहे थे, ओपन स्पेस में डाल रहे थे, उसे हम डंप साइट बोलते थे, मैंने डंप मतलब कचरे को डंप करके फेंक देना, यहाँ ऐसी स्थिति नहीं है। आप हमारे लेफ्ट हैंड साइड में जहाँ देख रहे हैं जो मैदान पड़ा हुआ है, ये मैदान भी पूरा कवर्ड होगा, कचरा पूरा कवर्ड रखा जाएगा। और कवर्ड रखने के बाद जो उसकी कैच करने वाली मशीनें होती वो ले जाकर उसमें 75 ले जाएगी, वहाँ छनेगा, जो बचेगा फिर इस मैदान में आएगा, वो मैदान के बाद कचरा फिर यहाँ आएगा। ये पूरा माना जा रहा है कि इस प्रक्रिया के तहत कोई बने जो है फाउल स्मेल नहीं रहेगी। यहाँ पर जो भी स्थितियाँ कोस्टा में हुई थी, कोस्टा में ओपन स्पेस में कचरा फेंका जाता था, यहाँ कवर्ड पूरा का पूरा सिस्टम कवर्ड रहेगा। नगर निगम ने योजना तो बहुत अच्छी बनाई है, अब इसका सवाल, सबसे बड़ा सवाल क्रियान्वयन का, जिस तरीके से यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाया गया, अगर क्रियान्वयन बेहतर हो गया तो हम ये कह सकते हैं कि स्वच्छता में इस बार हम कुछ बेहतर करके दिखाएंगे।